चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को आज गए हुए मेरे ख्याल में 19 साल हो गए हैं, 20 साल पूरे होने को हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों के जहन के अंदर वो राज करते थे वो आज भी वैसे का वैसा है। सारे कार्यकर्तागण जो है आज का दिन बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज बहुत बड़ी रैली जो है नांगल चौधरी में सम्मान दिवस के नाम से, जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सम्मान दिवस के नाम से करी जा रही है। कल जो है दादरी के अंदर नौजवान बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मैसिव, मैं कहूँगी मैराथन रखा है बच्चों के लिए, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो है यूथ को बहुत प्रेरणा देते थे, हमेशा बच्चों को आगे रखते थे और उनके बारे में बहुत सोच करते थे। आज जो है अगर होते तो बहुत तकलीफ होती उन्हें देख के कि जिस तरह से बेरोजगारी का आलम जो आज हरियाणा के अंदर है, हरियाणा नंबर एक पर हो गया है बेरोजगारी में, तो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो है इन चीज़ों के प्रति बहुत काम किया करते थे। अब हम आए यहाँ पर करने की हमने पूरी कोशिश करी, 10 साल बहुत दबा के काम करा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 10 साल में जो ये बीजेपी की सरकार आई वो हालात जो हुए हैं वो सब देख ही रहे हैं। आज ये जो पार्क जिसको चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की मेमोरी में समर्पित सोनिया गांधी जी ने करा था, आज आप सुन ही रहे थे कि ये महिला जो हैं यहाँ पे जो सैर करने आई थी वो क्या कह रही थी कि ना तो इसका कोई देख रख रखाव है, ना कोई सफाई है, ना पानी है, हर तरीके से जो है सारी सहूलियत जो है उससे वंचित है। सरकार को बार बार कह दिया गया है लेकिन जो है सरकार के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब भिवानी को जो है गंदगी का आलम भिवानी के अंदर ऐसा है कि आज जो है भिवानी जो है गंदगी का ढेर बन चुका है। हाँ ये बेमिसाल, हर साल बेमिसाल जरूर है, ये तो मैं भी मानूंगी उनकी बात बेमिसाल, पर इस बात पे है बेरोजगारी पर है, झूठे वायदों के ऊपर है, जुमलों के ऊपर है, महंगाई के ऊपर है, GST लगाने के ऊपर है, व्यापार ठप करवाने के ऊपर है, कोरोना काल में सब कुछ सत्यानाश करने के ऊपर है, और जो है बिजली पानी सब कुछ जो देख लो हर चीज जो है सत्यानाश आम जनता का हो रहा है। फैमिली आईडी जो इन्होंने लागू कर दी है, प्रॉपर्टी आईडी जो लागू कर दी है, सबका सारा का सारा जनता का नाश करने पर तुले हुए हैं। तो बेमिसाल